झारखंड में आधा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन गुजारते हैं। इसी खेती बाड़ी में कई तरह का खाद्य पदार्थ उगाते हुए भी जानकारी के अभाव के कारण अपने नियमित भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। कौन मां नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, नियमित स्कूल जाए और खेल के मैदान में भी भागे। आइए ठीक उसी तरह हम देखेंगे कि अंजलि अपना गर्भावस्था के दौरान कैसे खान पान के बारे में जानकारी बढ़ा रही है। अंजलि, अंजलि, पानी नहीं है क्या? दिन के 11 बजे अभी तक पानी नहीं लाई हो? ओह, मैं भूल गई माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। काम करने में चक्कर आ जाता है। अरे माँ जी, ये तो इतनी कमजोर भी है और थकी हुई भी लग रही है, और वो पानी ला रही थी, उसके हाथ से गगरा भी छूट गया। नहीं, वो मेरा तीसरा महीना चल रहा ना, इसीलिए ऐसा तो लगेगा ही ना। तीसरा महीना चल रहा है, कुछ खाती पीती हो कि नहीं? जी दीदी, जैसे सब कोई खाती है वैसे तो मैं भी खाती हूँ। खाती हो? अच्छा, एक काम करो, चलो हम लोग आंगनबाड़ी बिमला दीदी के पास, वहां जाके मिलते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम, आइए बैठिए। दीदी, अंजलि इतनी कमजोर है कि इसका कमजोरी हमको देखा नहीं गया, इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं इसको। नहीं दीदी, ये तो ऐसे ही बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं दीदी, इसका तीसरा माह चल रहा है और बोलती है कि जैसे सब कोई खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं, पर हमको तो नहीं लगता है कि कुछ खाती भी होगी। अरे पगली, तुम्हें तो अभी अपनी इस अवस्था में खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम दिन में कितनी बार खाना खाती हो? सभी कोई खाते हैं 3 बार, वैसे मैं भी तो खाती हूँ। नहीं अंजलि, तुम्हें सामान्य दिनों की अपेक्षा दिन में 1 बार ज्यादा खाना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरे गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। इससे ये भी फायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि माँ और बच्चे का सही मात्रा में वजन बढ़ रहा है। दीदी, आप तो ये भी बताती है ना कि अगर एक गर्भवती महिला पूरी गर्भावस्था में अगर अच्छा से खाना खाती है तो प्रसव के समय उसका बच्चा जो होता है उसका वजन कम होने से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही, हमारी जया कितनी याद रखने लगी है। अच्छा दीदी, ये तो बताइए कि हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए। हाँ, ये तूने लाख टके की सवाल पूछी है। तो सुन, हमें खाने में विभिन्न प्रकार का खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि विभिन्न प्रकार का खाना खाने से हमें संपूर्ण पौष्टिक आहार मिलता है, क्योंकि इससे माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गर्भ में पल रहे बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। हाँ दीदी, ये तो बोलती है कि हम तो पेट भर भर के खाते हैं। नहीं अंजलि, सिर्फ पेट भर के खाने से कुछ नहीं होता है। मैं विभिन्न तरह के पोषक तत्व की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका सही विकास होगा और भविष्य में उसको कुपोषण से भी बचाया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब ये बता ही दीजिए कि ये विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या है। चलो तुम्हें आज मैं पोषक तत्व के बारे में बताती हूँ। कल ही तो मैंने बैठक की थी जिसमें टोकरी में सभी पोषक तत्व को सजा कर सभी को बताई थी मैंने, वो टोकरी में लाकर तुम्हें बताती हूँ कि ये पोषक तत्व क्या है।
देखो ये पहला प्रकार है अनाज, जिसमें चावल, बाजरा, गेहूं, मकई और जड़ जाती हैं। ये आलू, शकरकंद, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। देखो ये दूसरे प्रकार का खाना है, दाल जात का है, मसूर दाल, जिसमें रहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, इससे हमें भरपूर प्रोटीन मिलती है। ये हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए मदद करता है। ये देखो ये है तीसरा प्रकार का खाना, अंडा। इसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम और ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है। इससे ये होता है, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करती है और शारीरिक वृद्धि में मदद करती है। देखो ये है चौथा प्रकार का, दूध, और जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे छाछ, दही, पनीर, खोआ, इसमें क्या होता है कि ये हमारे शारीरिक विकास के लिए मदद करता है। और ये देखो ये पांचवा प्रकार का खाना है, जिसमें मांसाहारी है, मांसाहारी लोगों के लिए है, जिसमें मछली, मांस, कलेजी, और इसमें हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन मिलती है। आयरन से क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के शरीर में खून बनाने में मदद करता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये रहा छठे प्रकार का, जिसमें हरी पत्तेदार सारी सब्जी, हरे पत्तेदार साग, पालक साग, मेथी साग, भतुआ साग, जितने भी हरे पत्तेदार साग है उसमें आ जाते हैं। और फिर कोहड़ा और गाजर, ये इसमें क्या पाया जाता है कि विटामिन ए और आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सातवें प्रकार में बाकी सारे फल जो हमारे घर के आसपास और मौसम के अनुसार होती है, जैसे आम, अमरूद, सहतूत, केला, जामुन आदि। फलों से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर और पानी मिलता है। पर दीदी ये सब तो बहुत महंगा है, हम लोग कहाँ से ला पाएंगे? क्या बात करती हो अंजलि, चावल दाल ये तो तुम्हारे घर ही में है। अब रह गया मांस मछली, मांस मछली तो सप्ताह में एक दिन तो तुम्हारे घर जरूर आता होगा। दूध तो तुम्हारे घर ही तो गाय है, फिर तुमको सोचना क्या चाहिए। और तुम्हारे बगानी में तो हम देखे थे पालक लगा हुआ था, टमाटर लगा हुआ था, बैंगन लगा हुआ था, तो महंगा कहाँ से हुआ भला? ठीक ही तो कह रही है जया। रही बात कटहल की, तो वो हमारे गांव में सभी के यहाँ प्राय प्राय पेड़ है, तुमको मिल जाएगा वहाँ से। और फूलगोभी, पत्ता गोभी सप्ते में एक दिन लाके तुम खा सकती हो। और हमने जो सात प्रकार का खाना दिखाया वो तुम्हें रोजाना खाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से चार प्रकार का खाना तुम्हें ज़रूर से रोज खाना चाहिए। अच्छा दीदी एक बात बताइए, हम गांव में सुने हैं कि गर्भावस्था के दौरान पपीता नहीं खाने के लिए बोलती है सब, क्यों दीदी? नहीं ये बिल्कुल गलत है, गर्भावस्था के दौरान सभी प्रकार का खाना खाना चाहिए, कोई खाने में मना ही नहीं है। देखो अंजलि ये सारी बातें तो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, अब कुछ बातें और बता रही हूँ। जैसे तुम्हें दिन में रोजाना कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए और भारी वजन वाले काम से बचना चाहिए, और आंगनवाड़ी केंद्र से तुम्हें जो आयरन की गोली मिली है उसे तुम्हें खाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बताई दीदी आप, तो ये तो हम अपने गांव और घर से भी प्राप्त कर सकते हैं। दीदी पास आने का यही तो फायदा होता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि दीदी के पास हर महीना बैठक में आया करो। बिल्कुल ठीक बात बताई आप दीदी। अच्छा दीदी तो अब हम चलते हैं, नमस्ते। नमस्ते।